नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शौहर को एक बीवी और दूसरी भी एक खड़ी हुई है बुरखे में, और कहा जा रहा है कि दो बीवियां हैं और एक हिंदू गर्लफ्रेंड है जिसको वो बीवी पीट रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं विश्लेषण करती हूँ और मैंने इस मामले में पड़ताल करी तो मैंने पाया कि ये मध्य प्रदेश के भोपाल का है और एक जिम ट्रेनर जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने 3 साल के 4 साल के बच्चे को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिम कर रहा था और उसके साथ ज़्यादा समय बिता रहा था। शायद उन्होंने किराए में कहीं घर लिया हुआ था, कुछ लिया हुआ था ऐसा कहा जा रहा है, कि या अलग से मिलने के लिए कोई जगह उन्होंने ले रखी थी और पत्नी को वो इग्नोर कर रहा था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं उसकी पत्नी की बिल्कुल गलती नहीं मानती हूँ। कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति या उस जो भी है, अब इसका इनके वहाँ तो खैर शादी का एक अलग मतलब है, लेकिन कोई भी, क्योंकि जब आप जिस जगह पे आप हैं उस जगह पे आपका मज़हब क्या कहता है उसी हिसाब से आपको करना होता है, कहता क्या है और प्रैक्टिकल में क्या होता है वो आपको देखना होता है। लेकिन यहाँ पर सरासर गलती उस हिंदू लड़की की भी है, क्योंकि जब आपको किसी ने, कोई मिला आपको और वो आपसे ये कहा जा रहा है कि उस आदमी ने ये कहा कि मैं सिंगल हूँ और मेरा पास्ट कुछ ऐसा है, मैं बताना नहीं चाहता, तो लड़की ने भी कहा कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा पास्ट जानने में इंटरेस्ट नहीं है। उसने ये नहीं पूछा कि तुम शादीशुदा हो कि नहीं, उसने नहीं कुछ नहीं बताया उसको, और इसने कुछ पूछा भी नहीं। उसने कहा तुम्हारे जीवन में कोई शादीवादी तो नहीं, उसने कहा नहीं कुछ नहीं है, जो सब था वो ख़त्म हो गया। एक दिन जब ये उसके साथ चिपक के जिम कर रहा होता है तो वहाँ बीवी पहुँच जाती है, उसको देख नहीं रहा होता, उसको खर्चे भत्ते के पैसे नहीं दे रहा होता है, बच्चे को इग्नोर कर रहा होता है, तो पत्नी है, बीवी तो बीवी, हालांकि इनका कॉन्ट्रैक्ट योनी को है लेकिन फिर भी उसकी बीवी तो मतलब उसके हिसाब से तो वही है ना, वो औरत, तो वो औरत आती है, दूसरी बेगम को भी लेकर शायद आती है। उसके बाद इसके जूते जूते मारती है और बीच में वो जो लड़की बोलती है उसकी भी मारती है, और मेरे हिसाब से कोई भी पत्नी हो कोई भी बीवी हो वो करेगी यही जो उसने करा। और मैं यहाँ पर बिल्कुल अनबायस होकर बता रही हूँ, उनका जो भी है, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो और तुम क्यों इस तरह से कर रही हो, क्योंकि उसको तो हक है, वो तो उसके बच्चे की माँ है, वो तुम्हें जूते मारेगी। हाँ, तुम्हारी ये गलती उस आदमी की ज़्यादा है यहाँ पर, मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पर देखा जाए तो 80% उस आदमी की गलती है और 20% इस लड़की की गलती है। लड़की ये 20% इसको ज़्यादा भारी पड़ गई, क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि एक वो दिख रहा है अच्छा खासा, वो 35-40 साल का दिख रहा है, ठीक है, जो उसका वीडियो में आ रहा है। तो एक 35-40 साल का मुसलमान आदमी पहली बात तो अनमैरिड होगा नहीं और बिना बच्चों के होता नहीं है। 30 से 40 साल की उम्र में, 25 से 40 साल की उम्र में इनके 6-7 बच्चे 8 बच्चे होते ही होते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो रोहियाओं के कैंप में देखो, जो यहाँ पर बेचारा बन के आते हैं जबरदस्ती, और वो आतंकवादी तत्व तक यहाँ पर 35 साल के आदमी के 6-6, 7-7 बच्चे होते हैं, खाने को उनके पास कुछ नहीं है, तो उनके उतने बच्चे होते हैं। और हमारे वहाँ का हिंदू लड़का जो है 25 साल में तो वो करियर ही बना रहा होता है और वो 30 साल तक तो सोच ही रहा होता है, समझ गए ना। 30-32 साल में, 35 साल में लड़के, हिंदू लड़के लड़कियां शादी कर रहे हैं, फिर जाके एक आध बच्चा होता है वो भी IVF के माध्यम से या फिर कोशिशों के बाद। तो ये हमारे हिंदुओं का हाल है और ये इनका हाल है। और ये हिंदू लड़की की यहाँ पर बहुत बड़ी गलती रही कि बिना बैकग्राउंड जाने की, बेबी मुझे तुम्हारे पास से क्या करना है, ये करना है। अरे पास्ट कम से कम ऐसा तो ना हो जो तुम्हें हॉन्ट करे, यानी कि तुम्हारा पीछा करे। पास्ट मतलब यानी कि आपके भूत, आपके पुरानी भूतकाल का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपके पीछे बैगेज लेकर आए। बैगेज मतलब बीवी बच्चों का बैगेज, यानी कि XYZ, अगर उसके बच्चे हैं तो उसको ना चाह कर भी, चाहे वो लड़का हिंदू ही क्यों ना हो, अगर किसी के बीवी बच्चे पहले से हैं तो उसके पास एक बैगेज होता है। अगर वो डिवोर्स भी है ना तो उसको अपने बच्चों के लिए उससे बात करनी पड़ेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो अपने पुरानी वाइफ से बातें कर रहा है? तो Try not to choose already married man. अगर कोई ऐसा है तो या तो वो उसके फिर कोई बैगेज ना हो,
कोई अगर उसके बैगेज होंगे वो तो अपने बीवी बच्चों से पुरानी एक्स से इसलिए बात करेगा कि बच्चों के सिलसिले में उनकी बात होते रहेगी, इस तरह से तुम्हारा रिश्ता ख़राब होता रहेगा। तो ये चीज़ बहुत बुरी होती है, क्योंकि जो लड़कियां पजेसिव हैं या जो लड़कियां किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनके लिए अधिकतर लड़कियां ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती दखल अंदाजी अपने जीवन में, तो ये बड़ा सोच समझ के करा करो। और ये जो लड़की थी ये भी काफ़ी मतलब वट एवर उसकी एज जो भी हो, वो लड़की भी इतनी मच्योर दिख रही थी। क्यों? क्योंकि भाई आप एक ऐसे आदमी से अफेयर चला रहे हो, फिर उसके साथ आप उसके हार्मोन्स शेयर कर रहे हो, फिर वो आपको गोली गोली खिला रहा होगा मालाडी और वो क्या है आई पिल की जिस जिसके ऐड आते हैं टीवी में, वो गोलियां तुमको खिला रहा होगा और तुम अभी से औरत जैसी आंटी जैसी दिखनी शुरू हो गई हो, ठीक है ना। वो तो प्रेग्नेंट नहीं होगा, लेकिन तुम्हें प्रेगनेंसी से रोकने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है ये रिश्ता गलत है, और अगर तुम्हारा बच्चा हो भी गया है और तुम्हारा अबॉर्शन हो गया कुछ हो गया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तुमको पड़ेगा, क्योंकि शारीरिक चेंजेस तुम पे आएंगे। आदमी तो अपने हाथ झाड़ के तुमसे ऐसे चल देगा, उसका जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तुमको इस्तेमाल करेगा और अपना हाथ ऐसे झाड़ेगा और चल देगा और तुम बन जाओगी लड़की से औरत, ठीक है ना। एक समय हो, आप बड़े हो रहे हो और ग्रेसफुली बड़े होना, यानी कि एक गौरव के साथ एक स्वाभिमान के साथ बड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, सब बड़े होते हैं। 30 के हो 35 का मिल जाएगा, 25 का मिल जाएगा, 40 का मिल जाएगा, इट्स ओके। बट वो पार्टनर आपका होना चाहिए, आपका राइट होना चाहिए। किसी और का घर उजाड़ के कभी अपना घर नहीं बनाया जाता है, समझे। अगर वो इतना प्यार करता है तो पहले बोलो, पहले अपने राड़े सुलझाए, और मुझे ऐसी दखलंदाजी तेरे पास्ट की नहीं चाहिए। जो तूने देना है, अगर तुम्हें ऐसा अंधा प्यार हो गया है, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ किसी लड़की की लाइफ ख़राब मत करना। अगर तुम एक महिला हो तो दूसरी लड़की का घर मत उजाड़ना, ऐसा प्यार ही मत होने देना। और अगर तुमको 1% ऐसा प्यार मतलब हो गया है और तुम बिल्कुल ही सोच रही हो कि उसको भी लग रहा है ऐसा, तो उसको बोलो कि पहले तलाक तुलूक ले और जो भी पैसे वैसे देने हैं भरपूर देकर साइड आ जा, उसके बाद फिर तू दोबारा झांक के नहीं देखेगा। हालांकि मेरी नज़र में ये पाप है, क्योंकि बच्चों को अपने बाप की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर उनका रिश्ता बिल्कुल ही ख़राब है और वो बिल्कुल ही साथ नहीं रहना चाहते एक दूसरे के और औरत भी राज़ी है, तो वो लीगली अलग होके तुमसे शादी कर रहा है, तो उसको पहले ही बता दो, अब मुझे पुराना ये नहीं चाहिए कि तुम उसको भी साथ साथ बातें करते रहे और मेरे उसमें करते रहे। लेकिन याद रखना, जो पहले को धोखा देकर आया है वो तुम्हें भी धोखा देगा, और जैसे उसने उसका दिल तोड़ा है वो तुम्हारा भी तोड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बनाने की मत सोचो, ये मेरा पर्सनल सोचना है। हमारा तो भैया बिल्कुल साफ है, अगर मेरी फ्रेंड का कोई अगर उसका फियांसे रहा है जिससे उसने शादी, हमारा एक रूल है कि अगर हमारी फ्रेंड ने किसी को पसंद करा है 1% भी और हमें वो लड़का पसंद आ जाए, तो पहले तो उसकी परमिशन लेंगे और जहाँ तक है हम उसको देखेंगे ही नहीं, क्योंकि दोस्त होती है बहन, और बहन का थूका या छोड़ा हुआ हमारे लिए भाई ही होता है, भाई, वो भाई की कैटेगरी में आता है। तो उसको, उस भैया को हम कभी देखेंगे नहीं, उसके बारे में कभी सोचेंगे नहीं, वो एक रूल है। उसका एक्स, उसका वाई हमारा भाई है, और अगर मान लो बिल्कुल अनजाने में बहुत भयंकर प्यार हो गया है और उसे शादी करनी है, तो उससे परमिशन ली जाएगी कि यार इससे शादी के बाद तेरी मेरी दोस्ती तो नहीं टूटेगी, ऐसा तो नहीं है कि तेरी मेरी दोस्ती टूट जाएगी या फिर तू लाइफ में मतलब लाइक तुझे देख देख के कुछ याद आएगा और तुझे फिर वो गुस्सा मेरे ऊपर निकलेगा। अगर लड़की कहती है हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा सेटलमेंट हो चुका है और मेरी शादी हो चुकी है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे उससे कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है, तू शादी कर ले, तो उस सेंस में हम हो सकता है एग्री हो जाए। लेकिन फ्रेंड का छोड़ा हुआ या फ्रेंड की पसंद करा हुआ वो भाई होता है, और कभी भी किसी शादीशुदा आदमी पर इस तरह का मत करो, क्योंकि वो लड़की भी किसी की बहन और किसी की बेटी है और तुम भी किसी की बहन और बेटी हो। जिस तरह से तुम्हारे माँ बाप नहीं चाहते कि तुम्हारा घर उजड़े,
उस तरह से उसके माँ बाप भी नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे के मैं समेत उसे छोड़ दिया जाए, समझ गए? तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और अगर कोई बहक रहा है तो उसे सही आईना दिखाओ, क्योंकि जो उसका ना हुआ वो तुम्हारा क्या। और अगर मान लो एक पर्सन तुम्हारी किस्मत अच्छी भी निकल गई तो वो रह रह के हाय भरेगी तुम्हारे लिए। अगर उसको किसी और से प्यार हो गया, शादी हो गई, बात अलग है, या उसने ऑलरेडी उसको कहीं और शादी करनी है, या उसको लगता है कि उन दोनों का रिश्ता गलत है और अनजाने में शादी हो गई, तब बात अलग है। लेकिन मेरी बहनों, अवॉइड करना। और याद रखना, जो लड़का तुम्हें गोलियां फोलियां खिला रहा है बच्चा रोकने के लिए, प्रेगनेंसी रोकने के लिए, या तुम्हारे तुम और खुद प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है और शादी तक रुक नहीं रहा है और तुम्हारे साथ सेक्स वगैरह करना चाह रहा है, तो समझ लो वो लड़का सही नहीं है। उसका इरादा केवल तुम्हारे से जिस्मानी अट्रैक्शन है, जो उसको अपनी पत्नी के साथ सुकून नहीं मिल पा रहा है वो तुम में तलाश रहा है। और इस तरह का जो प्रेम होता है, तुम्हारी बॉडी गई, तुम्हारा शरीर गया, और जैसे तुम बेकार होने लगी वो तुम्हें तुमसे भी उसका मोह भंग हो जाएगा, तो उससे भी वो तुमसे भी उसका मोह भंग हो जाएगा और वो फिर किसी और को तलाशेगा या फिर तुमसे झगड़े होंगे। क्योंकि प्यार ना यहाँ से होना चाहिए। चलो शक्ल से एक बार को देखो, जब हम किसी को देखते हैं तो हमें पहला अट्रैक्शन शक्ल से होता है, फिर उनकी बातों से होता है। और कई लोग कलाकार होते हैं बड़े, वो बातों में उलझा देते हैं, लड़की को फंसा देते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों में काबू रखते हुए, अपने दिल को संभालते हुए ये सोचो, अभी तो एक ही दिन की बात हुई है, आगे चलकर क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे, क्या तुम्हारा बैकग्राउंड मैच कर रहा है, क्या ये जो नाम बोल रहा है, ये पहचान बोल रहा है सही है। कुछ वक्त दो उस रिश्ते को, कुछ वक्त दो। और ऐसे ही वक्त देते देते अगर किसी की बीवी यानी कि ऐसी बेगम धमक गई तो हमें पता चल जाएगा ना कैसे बुरखे में रखता है और कैसे अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के घूम रहा है, और वो धर्म वाला नहीं मजहब वाला है, तो तुम तुरंत क्या कहोगी बाहर आके, अरे दीदी मुझे क्षमा करो, मैं इससे सिर्फ बात कर रही थी और मेरा ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं है, आप अपने शौहर को संभालिए, हाँ मुझसे गलती हुई, मेरे से थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया, लेकिन अब मैंने देख लिया है कि आपका पति है, और अगर आपका नहीं भी रहा तभी भी मैं इसको नहीं देखने वाली, मुझे क्षमा कर दो। और उससे भी पिंड छुड़ा के तुम वो जिम जाना ही बंद कर दो, ये मेरा आपको कहना है। किसी का घरौंदा मत उजाड़ो, यहाँ पर मेरा ये है स्टेटमेंट। और कई औरतें ये कहती हैं कि वो मुझे धोखा दे रहा है तो मैं भी दे दूँ। भाई अगर कुत्ता भौंक रहा है तो उसके साथ भौंकोगे नहीं ना, मतलब वो ऐसे घर में डॉग भौंकता है उससे बातें करना, वो करना वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई कीचड़ में मुँह मार रहा है तो तुम तो नहीं मारोगे ना। तो इसलिए संभल जाओ, बुरे के साथ हर वक्त बुरा नहीं बना जाता है, अपने आप पे काबू रखा जाता है, और इंद्रियों को काबू रखो, और जो भी करो जीवन में उसका इट और बट देख लेना कि आगे चल के इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे। यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, यही मेरे भाव हैं। और अगर कोई लड़की ये कहे कि उसका चक्कर चल रहा है मैं भी चला लूँ, अगर गलत रिश्ते में हो तो भैया जितना जल्दी हो सके पहले तो उसे समझाओ, लेकिन अगर नहीं समझ रहा है तो उससे हाथ जोड़कर लीगली अलग हो जाओ, क्योंकि अभी शादियां पहले जैसी नहीं रही कि सात जन्मों का बंधन हो रही हैं। कुछ कुछ लड़के बहुत गंदे भी निकल रहे हैं। जितना हो सके अपना घर संभालने की कोशिश करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये दारूबाज आदमी है, ये करेक्टर चरित्रहीन आदमी है, और ना ये खर्चे पानी के लिए तुमको पैसे दे सकता है, ना तुम्हारे बच्चों को पाल सकता है, या फिर तुम ऐसे आदमी की औलाद नहीं पैदा करना चाहती हो कि इतना गंदा आदमी है, जब ये ऐसा है तो इसके बच्चे कैसे निकलेंगे, ये सोच लेना कभी भी। पुराने ज़माने में जो शादियां होती थी, जो मैं पौराणिक कथाएं पढ़ती हूँ, उसमें शादी का मतलब ये होता था कि जब दो स्त्री और पुरुष का मिलन होता था तो वो जो दूध का ग्लास या जो ये सब बोला जाता है, तो वो भगवान को साक्षी मान के मंत्र पढ़ा करते थे कि हे प्रभु, जो अब हमारे मिलन से जो संतानें उत्पन्न हो वो ऐसी हो जिस जो बुद्धि जिनका बुद्धि विवेक हो, जो पुरुषार्थ से भरी हुई हो, और जो अवतरित हो आत्माएं, वैसी संतान हमारे गर्भ में देना। और आदमी भी ये सोचा था मेरा तत्व ऐसा बने जो शिवाजी महाराज जैसा, पुरुषोत्तम राम जैसा बने, लेकिन अब कैसे होने लग गए लोग, आप देख रहे हैं ना, अब तो सिर्फ संभोग है, सेक्स है, बस यही सब काम करो और
उसके बीच में बच्चे हो जाएं तो इट्स ओके, प्रेग्नेंट हो गए, और नहीं तो अबॉर्शन कराते फिरो, है ना। तो इस चीज तरीके से अपनी जीवन को बर्बाद मत करो। प्यार 1940s में भी वैसा ही था, 1600 में भी वैसा ही था, और प्यार आज 2021-2022 में भी वैसा ही है। आगे 2050 में भी प्यार की परिभाषा नहीं बदलेगी, लेकिन प्यार और हवस में अंतर होता है। ये जान लो कि तुम किसी का प्यार बन रही हो या केवल हवस, या चौथी पांचवी बीवी वाली हवस फ्री फंड की, क्योंकि सस्ती पड़ेगी ना, कॉल गर्ल लाना या वो लाना महंगा पड़ेगा। एक तो तुमसे दो काम हो जाएंगे, एक फ्री की कॉल गर्ल टाइप की हो गई, घर में नौकरानी भी हो गई, तुमने पहली वाली का घर भी उजाड़ दिया, और यहाँ तुमने धर्मांतरण भी कर लिया, उसके जन्नत जाने का टिकट भी कर दिया, लेकिन इस टिकट के पीछे तुमने कुछ कुछ लड़कियाँ जो नहीं चाहती ऐसे काम, तुम्हारी जन्नत वन्नत का टिकट वगैरह, उनकी ज़िंदगी भी उजाड़ दी, उन लड़कियों का घर भी उजाड़ दिया। तो यहाँ पर मैं इसकी पत्नी के साथ हूँ, इसकी बीवी के साथ हूँ, हालांकि इनके वहाँ चौथी पांचवी चलती है, लेकिन फिर भी मैं इसकी बीवी के साथ हूँ, क्योंकि इसको पूरा हक था, उसके बच्चे की माँ थी, उसने सही जुत बजाए। इसी संदेश के साथ मैं हिंदू लड़कियों को ये सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सोच समझ के करें जो करें अपने जीवन में, और अपने माँ बाप का भी सोचें। और जिम करने जाती हो जिम करो, पढ़ाई करने जाती हो पढ़ाई करो, इस तरह से धंधेबाजी में ना पड़ो। एक तरह से तुम धंधे वाली होगी ना इस तरह से। जय श्री राम, हर हर महादेव। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हिंदू लड़कियों को, ताकि कल आए।